नीट स्टूडेंट जब भी नीट का प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उन्हें किसी मेडिकल कॉलेज के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज के बारे में जरूर पता होता है, वो है एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। यार पता हो भी क्यों ना, सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज यही है और इंडिया के वो सारे स्टूडेंट जो अंडर 100 रैंक अंडर 200 रैंक लाते हैं वो यहीं पे अपना एमबीबीएस का स्टडीज करते हैं। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शशि कुमार एंड कंटली एम परसुंग माय थर्ड ईयर एमबीबीएस। तो आज मैं तुम्हें मिलवाने जा रहा हूँ अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज, सपनों का वो मेडिकल कॉलेज जो हर एक नीट स्टूडेंट का सपना होता है यार कि उस मेडिकल कॉलेज में जाके अपना एमबीबीएस स्टडी करे। तो यार आज मैं तुम्हें उस मेडिकल कॉलेज का कैंपस दिखाने वाला हूँ, दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो एक ब्लॉग टाइप का वीडियो होने वाला है जहां पे मैं तुम्हें एम्स दिल्ली का कैंपस के बारे में कुछ ओवरव्यू दूंगा, कुछ एम्स दिल्ली के बारे में भी बताऊंगा, और लास्ट में मैंने एम्स दिल्ली के दो बड़े यूट्यूबर से भी मिला है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। 24 आवर्स का लंबा जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके थे दिल्ली। दिल्ली में हमें एक चीज जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग लगी थी वो थी वहां की मेट्रो। मैंने पहली बार मेट्रो में चढ़ा था, दिल्ली में मैंने मेट्रो में चढ़ा और वो मेट्रो मुझे डायरेक्टली एम्स दिल्ली के गेट के पास छोड़ा था। और वहाँ पे आने के बाद मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, वो ये कि यार हम एक और मेडिकल कॉलेज के बारे में जानते थे, दैट वाज वीएमएमसी। वो वीएमएमसी एम्स दिल्ली के डायरेक्ट सामने में थी। वीएमएमसी भी एक टॉप मेडिकल कॉलेज है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ये भी दिल्ली में सिचुएटेड है, वो जस्ट फ्रंट में है, एम्स दिल्ली के जस्ट सामने। वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उससे भी मुझे मिलना था, मैंने वीएमएमसी में भी गया और वहाँ पे सामने एम्स दिल्ली में भी गया। यार एम्स दिल्ली पहुँचने के बाद मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगा कि यार वो जो फोटोज़ जो स्टूडेंट्स अपने स्टडी टेबल के सामने एम्स दिल्ली का एक बिल्डिंग का फोटो लगा के रखते हैं, वही फोटो एम्स दिल्ली का फ्रंट बिल्डिंग है। अब यार अगर तुम्हारा भी सपना एम्स दिल्ली जाना है या फिर इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है तो तुम्हें उसी अकॉर्डिंग उसी हिसाब से तुम्हें मेहनत भी करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान सुन लो कि तुम्हें कॉन्सिस्टेंटली प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ लास्ट तक मेहनत करना पड़ेगा। और यार एम्स दिल्ली ही नहीं, आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा, वो भी 2 इयर्स तक। तो अगर आपका भी सपना है एम्स दिल्ली जाना या फिर इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना, तो एक चीज़ सुन लो कि नीट अब आसान नहीं रहा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सालों साल फॉर्म भर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारा फॉर्म्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर तुम डेडिकेटेड होके 2 साल फोकस्ड होके मेहनत करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर तुम नीट 2024 वाले एस्पिरेंट हो, अगर तुमने अभी तक अपना प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है तो तुम प्रिपरेशन शुरू करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। इस जर्नी में आपको मदद कर सकता है PW, दैट इज फिजिक्स वाला। अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है लेकिन यार अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो लेकिन ड्रीम बहुत स्ट्रांग है कि यार मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, तो यार आप फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत कम कॉस्ट में एक अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। रिसेंटली अभी क्लास 11th के लिए अर्जुना बैच लॉन्च हुआ था जिसका प्राइस 4500 था, और क्लास 12th के लिए जो बैच लॉन्च हुआ था, दैट इज लक्ष्य नीट 2024 बैच, जिसका प्राइस भी 4500 था, और एक और बैच जो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए लॉन्च हुआ था, दैट इज यकीन ड्रॉपर बैच, उसका प्राइस 4600 था। और इन सब बैचेस में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए 150 रुपए का, तो आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो APR150। अगर आपको प्रिपरेशन के जर्नी में बहुत सारे डाउट्स आते हैं जो आप किसी टीचर से क्लियर करना चाहते हो, तो आप PW सारथी का यूज कर सकते हो, जहां पे आपको टीचर्स आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो यार ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि एक अफोर्डेबल प्राइस में आप बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन गेन कर सकते हो अपने नीट के प्रिपरेशन के लिए। और एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप PW के किसी भी बैच को आराम से परचेज कर सकते हो।
एम्स दिल्ली के अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं यार कि एम्स दिल्ली का पूरा कैंपस सामने बीएमएमसी के छत से मुझे दिखा था। और ये जो एम्स दिल्ली का कैंपस था, पूरा हरियाली भरा जो कैंपस था, लिटरली यार देख के मुझे ऐसा लग रहा था यार कि हाँ सच में ये ड्रीम मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जब मैं अंदर गया तो अंदर जाने के बाद मैं एम्स दिल्ली का फ्रंट गेट पे गया, गार्ड जी से पूछा कि गार्ड जी ये हॉस्टल कहाँ है, और वो जो हॉस्टल मुझे जाना था आर्यन भैया के हॉस्टल जाना था, तो वहाँ पे मैं लास्ट में दिखाऊंगा। मैं गया फिर वहाँ से उनसे मिला भी, और कुछ नाइट फोटोग्राफ्स भी मैं तुम्हें एम्स दिल्ली के दिखाऊंगा। जब मैं पहली बार मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आया तो यहाँ पे आने के बाद कुछ मैंने स्टार्टिंग में कुछ फ़ोटोज़ लिए, कुछ वीडियोस बनाए, और उसके बाद मैं कैंपस के अंदर चला गया। कैंपस के अंदर जाने के बाद मैंने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट अपने स्टडी टेबल के सामने लगाए रखे हैं, वो बिल्डिंग मुझे सबसे फ्रंट में दिखा। मुझे हॉस्टल के अंदर जाना था तो मैंने गार्ड जी से पूछा कि गार्ड जी हॉस्टल किधर है इधर, तो वहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल थे, तो आर्यन भैया के हॉस्टल मुझे जाना था, तो वहाँ से साइड से गेट था, वहाँ से मैं गया अंदर। अंदर काफ़ी अंदर बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारे भैया लोग, काफ़ी सारे सीनियर्स जो थे वहाँ पे खेल भी रहे थे, एंड मुझे एक हॉस्टल का टूर भी मिल गया था। और फाइनली मैं उन लोगों से मिल पाया जो मेरे इंस्पिरेशन हुआ करते थे जब मैंने 2019 का प्रिपरेशन करता था, दैट इज़ ARS आर्यन राज सिंह। मैंने उनसे लास्ट में मिला, मिलने के बाद यार वो लिटरली वो भी बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ थे। मिलने के बाद हम लोगों ने साथ में कुछ खाया, बहुत सारे बातें किए, वो तो मेरे से बहुत सीनियर थे, मुझे बहुत कुछ उन्होंने बताया लाइफ को लेके आगे क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ को मैनेज कैसे करना है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखा भी। साथ ही में मैंने अभ्युदय से भी मिला। तो नाइट में हम लोग वहाँ से बाहर आए, बाहर आने के बाद फिर से नाइट में कुछ कैंपस के फ़ोटोज़ लिए जो मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो नाइट में भी एम्स दिल्ली बहुत ही अच्छा लगता है, रेड कलर में पूरा एम्स दिल्ली लिखा हुआ है। यार ये एक एम्स दिल्ली का कैंपस का एक छोटा सा टूर वीडियो था। आई थिंक यार कि तुम्हारा भी कहीं ना कहीं एक सपना होगा कि मुझे भी एम्स दिल्ली जाना है। एम्स दिल्ली के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं कि एम्स दिल्ली का जो MBBS कोर्सेज का फ़ी होता है वो आई थिंक सबसे कम फ़ी होता है, और जहां तक मुझे पता है कि 1650 फर्स्ट ईयर का फ़ी है। यार अगर तुम्हारा भी सपना है कि एम्स दिल्ली में जाना है, वहाँ से MBBS स्टडीज़ करनी है, तो एक चीज़ सुन लो कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें रात दिन एक करके पढ़ना होगा, उतना पढ़ना होगा जितना कोई और तुम्हारा कॉम्पिटिटिव फ्रेंड या फिर कॉम्पिटिटिव दोस्त जो भी हो वो नहीं पढ़ते होंगे। क्योंकि एम्स दिल्ली जाना मतलब तुम्हें अंडर 100 रैंक लाना पड़ेगा, तभी तुम एम्स दिल्ली जा सकते हो। तो यार मैंने तुम्हें इस वीडियो के थ्रू मोटिवेट करने का भी कोशिश करा, ठीक है। तो यार वीडियो को लास्ट देखे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एक लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ कोई और भी मोटिवेट हो जाएंगे जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन जाएंगे।